फाइनली गाइस आज आ चुके हैं हम अमरिक सुखदेव। बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग रहा है मेरे को तो यहाँ का, यहाँ से सही लग रहा है। एक सरप्राइज़ और है, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं कि प्राइस वगैरह क्या है। अगर यहाँ का प्राइस ठीक लगा, यहाँ का भी देखेंगे और वहाँ का भी देखेंगे। फ्रेंड्स फिलहाल तो अंदर आ चुके हैं हम, यहाँ देख के हैं क्या करवा रहा राहुल। अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है इतनी भीड़ देख के। कल एक लस्सी पे, हाँ लस्सी ले, लस्सी ले पहले, हाँ लस्सी ले लो बैठेंगे तो कहीं पे भी देखेंगे। पहले रेट देख ले, पहले प्राइस प्राइस देख ले कैसा है। देखो दोस्तों ये प्राइस, लस्सी तो लस्सी है भैया, कितने की है? 100 रुपीज़। लस्सी ले लेते हैं। इसका तो पराठे खाने का वैसे भी मन नहीं कर रहा है, लस्सी बहुत टाइम हो गया पिए हुए, लस्सी पियेंगे आज। आप देख ही सकते हो कितना भरा हुआ है, बहुत कितना बड़ा है ये। मैं तो खैर पहली बार आया हूँ तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इतना ऐसी जगह आके। भैया भी लस्सी देंगे, मन तो वही कर रहा है जाने का, चाहे जितने भी मर्जी महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, तो अभी वहीं चलेंगे भाई। यहाँ पराठे नहीं खा रहे हैं, यहाँ पराठे कैंसल। तो यहाँ की लस्सी बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, टेस्ट में तो बहुत अच्छी लग रही है। और खोल के दिखा देता हूँ मैं, खोल के दिखाने का फायदा इसको। अरे रंग रूप तो देख ही सकते हैं, वैसे रंग रूप कुछ खास तो है नहीं, वाइट वाइट है पूरा, बाकी कुछ नज़र आ नहीं रहा। तो टेस्ट में टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है लस्सी। पहली बार भाई कसम से कह रहा हूँ, कैमरे की कोई वो नहीं थी आज चलाने की, लेकिन कैमरा बस ले आया मैं, तो आज कैमरे का फायदा हो गया लाने का। इतनी हवाएं हैं, पानी फेंक रहा है, और फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि जो जगह इससे पहले देख लिया ना, उस जगह का मजा ही अलग है। टॉयलेट भी देखो दोस्तों, कितना आलीशान टॉयलेट है। चुके हैं और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वैसे खुद का मन नहीं किया, क्योंकि जिस जगह भी हम जा रहे हैं अगर वहाँ टाइम हुआ हमारे पास, क्योंकि सिस्टर का पेपर था तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पे पेपर के वजह से आया था, और अगर टाइम हुआ तो हम वहाँ पे खा सकते, लेकिन टाइम नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे। लेकिन जगह ज़रूर दिखाऊँगा आपको यार, मज़ेदार जगह थी, चुम्मा जगह है, बहुत मज़ा आ जाएगा। फाइनली गाइज आ चुके हम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट
अभी हम गुब्बारा फोड़ेंगे, बचपन की याद ताज़ा करेंगे। फूटना चाहिए गुब्बारा। ना भाई गुब्बारा ना फूटो। ये पकड़ रुकना है, एक द्वारा लगा दे। एक तो फोड़ी दे। ओ फूट गया। अरे छर्रे वाली है यार ये। फाइनली लास्ट चाहिए, लास्ट है और तीन तो फोड़ चुका हूँ, चौथा भी थोड़ी उम्र का नहीं हो पाता। चलो आखिरी में नजर लगा दी। लेकिन मजा बहुत आया यार, ये बचपन की यादें ताजा हो गई। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर चलते हैं, पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है बस, बाकी मज़ा बहुत आ गया इस चीज़ को देख के। वैसे प्लेन में बैठेंगे एक दिन, लेकिन इसी प्लेन में बैठ जाते हैं आज। देखो यार, फोन रह गया यार। सर्विसिंग हो रही है प्लेन की। फोन रह गया यार। ये बड़े आदमी है, आईफोन छोड़ देते हैं गाड़ी के अंदर। दो सौ रुपये जो भी आप खाना खाएंगे उसका जो बिल बनेगा उसमें से ये 200 रुपये लेस हो जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं खाते तो? नहीं खाते तो रिफंडेबल नहीं है। चलो तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारा खाना जरूर टेस्ट करके जाए, बहुत अच्छा है। नहीं तो फ्रेंड्स, ये वो वाले प्लेन्स हैं जो यूज़ में नहीं आते, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, और पुराने होने की वजह से कंपनीज इनको एक बहुत बड़े यार्ड में छोड़ देती है खड़ा करके। तो ये वही वाले प्लेन्स होते हैं, बाकी खाने पीने के यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा यूज़ किया है इन प्लेन का, और प्राइस भी अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से फूड का। यहाँ पे टिकट दिखा, टिकट। तो ये हमारी टिकट है गोवा की। अभी हम यहाँ से चढ़ के गोवा जाएंगे। वैसे कसम से कह रहा हूँ, मैं मेरा कोई प्लान नहीं था कैमरा लाने का, लेकिन किसी वजह से लाया था मैं कैमरा, लेकिन इसका फुल यूज हुआ है आज, बहुत मजा आ गया। फुलहाल तो फुल हो रखा है पूरा मामला।
नोट कर देना है। नहीं बैठ गया फाइनली गाइस, सही में ऐसी फीलिंग आ रही है कि सही में प्लेन के अंदर बैठे। प्लेन तो है ही है खैर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी टेक ऑफ कर जाएगा ये, और अनाउंसमेंट होएगी कि सीट की पेटी बांध लीजिए। तो फिलहाल अभी फूड आइटम देखते हैं कि क्या है आइटम्स, क्या क्या प्राइसिंग है, तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। मैं आपको टिकट दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो मेन्यू कार्ड आ चुका है फ्रेंड्स, मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग ही 300 से है, वैसे तो 250 तक के भी हैं। वेजिटेबल फ्राइड 250। ये देखो तो बैटरी लो होने वाली है, मेरे को बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी ये बंद, चलो घर चलते हैं। फ्रेंड्स खा चुके हम खाना, आलू का पराठा मंगाया, जो मंगाया था हमने आलू का पराठा वो खा चुके हैं। अब यहाँ से घर चलते हैं, और बहन के लिए पैक करा लिया मैंने, क्योंकि पेपर दे रही है तो भूख लग रही होगी। सुबह से कुछ नहीं खाया ना मैंने ना उसने खाया था, तो हम खा चुके, तो उसके लिए पैक करा लिया मैंने आलू प्याज वाले पराठे, तो वो ये रहे। फ्रेंड्स खा के आ चुके बाहर, बहन के लिए पैक भी करा लिया है, वो खाना खा लेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको फाइनली हिसाब बताता हूँ क्या हुआ, और एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और फ़ायदा है जाने का या नहीं है। तो इससे बढ़िया सो अमृत सुखदेव, अब अमृत सुखदेव का नहीं खाया तो उसका मैं बता नहीं सकता। मे भी हो सकता है उसका बहुत ही अच्छा हो, और मे भी हो सकता है कि जो टेस्ट हमें यहाँ मिला है वही टेस्ट हो सकता है अमृत सुखदेव का भी हो। अबे इससे बढ़िया उसका है, मैंने खाया। चलो खाया होगा तो भाई बता रहा है कि उसका बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि एक बार का ही मजा आएगा आपको, बस एक ही बार का, दोबारा आने का मन नहीं करेगा, इतना ही एक्सपीरियंस है। प्लेन का मजा तो सिर्फ देखो, प्लेन का मजा बाहर बाहर से ही है सिर्फ, क्योंकि जो मजा सिर्फ बाहर से देखने में आ रहा है, अंदर में कोई मतलब इतना बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही वाव वाली फीलिंग आए कि हम अंदर आ गए हैं, प्लेन के अंदर आ गए, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो कभी नहीं आया वो एक बार आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी बार शायद उसको अच्छा ना लगे, क्योंकि एक ही बार बंदा आएगा। और टेस्ट अगर मैं बोलूँ कि टेस्ट कैसा है, तो 10 में से मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि 6 मार्क्स दूंगा, 10 में से 6, क्योंकि इतना कोई टेस्ट, सही बता रहा हूँ कि इससे अच्छा टेस्ट हम घर पे अपने आलू के पराठे, घर पे जो मम्मी बनाती है हमारी, उनके पराठे आलू के, इनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे होंगे, लाख गुना ज़्यादा। बुरे नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे, बट किसी को भूख लगी है तो खाने के लिए ठीक है उसके लिए, लेकिन टेस्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कि घर के जो आलू के पराठे होंगे वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया होंगे इन जगह से। यहाँ तो बस सिर्फ एक मज़ा है कि शुरू शुरू का, पहली बार का, कि आप प्लेन में आ गए, प्लेन देख लिया बाहर से, तो बस वही एक एक्सपीरियंस मज़े वाला होता है जो पहली बार आप आ रहे हो। और सबसे दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि एंट्रेंस में ही आपको सबसे पहले बोल दिया जाएगा कि 200 रुपये आप जमा करा दो, जो टिकट आपको मिलती है
और उसके बाद अगर आप खाते हो तो वो 200 रुपये रिफंड हो जाएंगे, मतलब रिफंड क्या उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं खाते तो रिफंडेबल नहीं है वो, अगर आप कुछ भी बिना खाए आ जाते हैं तो वो रिफंडेबल नहीं है। तो एक तरीके से ये मार्केट स्कीम है कि आपने 200 दिए तो आपको खा के आना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से ठीक है, मतलब ठीक है, बस टेस्ट वाइज बहुत अच्छा नहीं है। और बाकी पराठे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप जाते हो आप कुछ और आइटम मंगाते हो, पिज़्ज़ा मंगाते हो और चाइनीज़ फूड मंगाते हो, तो उसको मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैं उसको अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन आलू का पराठा हमने खाया तो वो इतना वाव वाला नहीं है फीलिंग, लेकिन ठीक है, बस अगर किसी को भूख लग रही है तो वो खा लेगा, पेट भर जाएगा, बस ठीक है। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को लेने, तो वहाँ जाके उसको भी भूख लग रही होगी, तो वहाँ जाके उसको आलू के पराठे खिलाएंगे, बहुत ही बढ़िया यूनिक प्लेन के। तो यही एक्सपीरियंस था, बाकी फिलहाल नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं आपको। और ये व्लॉग की कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं बाय चांस की बात है कैमरा आज उठा लाया क्योंकि मेरे को कुछ और काम था, क्योंकि मेरे को वायरलेस माइक पता करना था, तो इसलिए मैं लेकर आ गया था। तो बहुत ही मज़ा आ गया वैसे, और मेरे को घूमने का वैसे ज़्यादा मज़ा आया गाड़ी के अंदर, जो मज़ा मेरे को यहाँ नहीं आया वो सिर्फ ऑन रोड ट्रिप के अंदर आया, जो छोटी सी आज हमारी ट्रिप रही सैटरडे के दिन, तो इस चीज़ का मेरे को मज़ा आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, और ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करता हूँ। तो टाटा बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना द एंड के व्लॉग्स को। तो फिर फिलहाल चलते हैं, ठीक है, बाय।